हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल कुरुंग और आप और मैं अब काफी टाइम से जुड़े हुए हैं इस सफर में जिसका नाम है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसको हम एक डेडिकेटली जो अलग टॉपिक्स है ना उसके रिगार्डिंग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है थोड़ा मैकेनिज्म अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अल्डिहाइड कीटोन्स के रिगार्डिंग। हमने आईयूपीएसी देख लिया, नॉमिनक्लेचर उनका इंट्रो देख लिया, साथ ही साथ में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया। नाउ हम लोग अभी कहां पर है, अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने लास्ट वीडियो जो ऑक्सीडेशन वाला बना हुआ था वहां पर तुम लोगों को बोला था टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएजेंट वाला जो टॉपिक रहता है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उसके सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे। तो लीजिए आज हम लोग आ चुके हैं इस टॉलरेंस रिएजेंट में टॉलरेंस टेस्ट के ऊपर। तो ये होता क्या है क्या नहीं, ये सारी कहानी आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो करना क्या है, बस इस वीडियो को बड़ी आराम से शांत दिमाग के साथ में देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी टर्म टू के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ में कोई भी जेई या फिर नीट की एग्जामिनेशन नहीं जाती है जिसमें इन चीजों के बारे में नहीं पूछा जाए। डायरेक्टली भी पूछा जाता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से होता है ये, ठीक। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं टॉलरेंस टेस्ट की, तो टॉलरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग क्या होता है, ये देते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन, अल्डिहाइड्स, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, अल्डिहाइड्स देते हैं। पर याद रखना कीटोन्स जो होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट को नहीं देते हैं, ठीक है। जो जनरली सिर्फ कीटोन, सिर्फ कीटोन, उसमें और एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं लगना। तो हम क्या बोलते हैं कि जो अल्डिहाइड होते हैं तो सारे अल्डिहाइड क्या करते हैं, टॉलरेंस टेस्ट को देते हैं, जबकि जो सारे सिर्फ और सिर्फ कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट को नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुरुआत में ही हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे KMnO4 और K2Cr2O7 क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करते हैं जबरदस्ती इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में से निकालते हैं जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं। वही टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन की बात की जाए, फैलिंग रिएजेंट की बात की जाए, वहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहली लाइन हो गई। अब बात करते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है। देखो क्या होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या, अमोनिया के अंदर मिक्स हुआ, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, आपके पास में रखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट जिसको आपने कंबाइन करा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने आपस में मिलकर क्या बनाया है, कुछ इस तरह का कंपोजिशन बना के रख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो चुका है, ये ऑक्सीजन इधर वाले OH के साथ गायब हो गया और आपको क्या मिल रहा है, AgNH3 ट्वाइस, और उसपे से क्या हुआ है, आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। क्लियर हो गई बात, एक सिल्वर से दो अमोनिया ग्रुप यहां पर अटैच्ड हैं विद अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, टॉलरेंस रिएजेंट। अब देखो कहानी क्या होती, बहुत सिंपल सा है, अल्डिहाइड जब इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। ये बेस क्या हो सकता है, ये बेस आपके पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। ये कहानी, तो आपको क्या मिल रहा है, ये देखो RCOO कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया, H पॉजिटिव जोड़ देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिल्वर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, अमोनिया की गैस बन जाएगी, तो यहां पर ये देखो इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है, इजी सा है। पर ध्यान रखना कि यहां जो टॉलरेंस रिएजेंट आप पढ़ोगे उसमें जो अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप बोलते हो कि सर यहां पर इसको नहीं लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो बात कुछ ऐसी है कि जब कभी भी एग्जामिनेशन होती है, और फर्ज करो तुम लोगों ने सारा पेपर अच्छा करा, 70 out of 70 तुम लोग को आने वाले थे, पर यहां पे तुमने इतनी सी गलती कर दी कि टॉलरेंस रिएजेंट के टेस्ट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लिखा, तो सामने वाला क्या कर देगा, नंबर काट देगा। क्यों, क्योंकि सामने आपके बैठे ही हैं
कि नंबर काटना है पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलने चाहिए, वरना उस पर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर पूरे में से पूरे मिल गए नंबर तो उस पर आर्ग्यूमेंट होगा, और उसके आर्ग्यूमेंट कैसा होगा कि देखो बोले कि सर उसने तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लिखा था, पर उसको आपने पूरे मार्क्स दे दिए, पर मैंने यहां पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिख के रखा हुआ है तो फिर यहां पर मुझे तो इसके एक्स्ट्रा मार्क मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये कहानी होती है। तो अगर आपको पूरे मुंह से पूरे नंबर चाहिए तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, क्या करना है अवॉइड, कि यहां पे जो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप छोड़ रहे थे ना लिखना, उसको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो बस इतनी सी कहानी होती है। तो टॉलरेंस रिएजेंट के रिगार्डिंग ये जो तीन मेजर बातें होती हैं वो जरूरी होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक, अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे। अगली चीज यह होती है कि यहां तो अच्छा आपको क्लियर हो गया ना कि अल्डिहाइड ने टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन करी और टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन करने के बाद में क्या दे दिया था, सिल्वर। अच्छा, इसको बना के भी बता देता हूं ना, इतनी टेंशन क्यों लेना। वो देखा था ना छोटे में सिल्वर मिरर टेस्ट, ऐसी टेस्ट ट्यूब रहती थी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता था आपके पास में, कि यहां पे सिल्वर कलर जो होता है इसके सरफेस पे जाके ऐसा 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 चारों तरफ जमा हो जाता है। ठीक है, और वो सिल्वर क्या है, ये वाला जो यहां बॉटम पे जाके जमा हो गया, वही क्या कहलाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। और अमोनिया क्या है, गैस, तो इसलिए गंदी सी उसमें एक स्मेल आती थी, तो ये वाली कहानी रहती थी। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है समझना। अल्डिहाइड तो टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देते हैं, पर और कौन कौन होते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, अदर एलिमेंट्स विच गिव सिल्वर मिरर टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो कौन कौन होंगे। एक तो देखो ये RCHO मतलब वही अल्डिहाइड, और एक आपके पास में क्या है ARCHO। ARCHO क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अगर आप बात करते हो बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, नॉर्मली आपके पास में रखा हुआ है बेंजीन, और बेंजीन के साथ में क्या है, ये ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड भी टेस्ट देता है। इसके अलावा जब आप बात करोगे पॉइंट नंबर टू, तो आप बोलोगे सर यहां तो कीटोन ने भी दे दिया। ठीक है, आप क्या बोलोगे, सर कीटोन ने भी दे दिया और आपने तो बोला था कीटोन नहीं देता है। तो ध्यान रखना यहां पर एक स्पेशल लाइन लिखी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, कीटोन तो समझ में आ गया, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस बात है सर ये तो कीटोन है, पर यहां पर जो हाइड्रोक्सी है वो हाइड्रोक्सी क्या होगा, वो हाइड्रोक्सी होगा आपके पास में यहां पे कुछ ऐसा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी एक वैलेंसी खाली थी ना, तो इस वैलेंसी पर क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है। ये रहती है कहानी। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या होने वाला है, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर आता है तो यहां ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की क्या कहानी है समझो। यहां पे ये आपके पास में है अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन कौन होते हैं, जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा आता है। देखो यहां से भी फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा है, यहां से भी फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन। तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, सॉरी अल्फा कार्बन। ध्यान रखना अल्फा कार्बन में मौजूद जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, यहां ध्यान रखना मैं क्या बात बोल रहा हूं, कि आपके पास में रखा हुआ जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होता है आपके पास में, वो होता है हाईली एसिडिक इन नेचर। अगर देखो हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, तो हाईली एसिडिक का मतलब क्या होता है, कि ये बहुत ही इजीली क्या कर देगा आपको, H पॉजिटिव आयन निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसी ही कहानी होती है कि ये कार्बन क्या करता है, बहुत आसानी से इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल देता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा बहुत ही आसान है करना, उसका रीजन ये है कि यहां पर इस कार्बन के ऊपर देखो, इधर भी ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है इस पे पॉजिटिविटी आएगी, कार्बन पे पॉजिटिविटी आती है तो ऑब्वियस बात है वो उसको स्वीकार नहीं करता है, तो हाइड्रोजन को यहां कुर्बानी देनी पड़ती है। सो फॉर दैट रीजन यहां अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, जरा समझना, ये मैंने इसको ऐसा बना दिया, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि यह है अल्फा। अब देखो सिचुएशन क्या होती है,
सिचुएशन आपके पास में ये है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों बाहर जाते हैं। अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट लिया है तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट में क्या हो जाएगा आपके पास में? ऑक्सीडेशन। ये देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इस वाले हाइड्रोजन को भी इंट्रैक्ट कर रहा है, इस वाले हाइड्रोजन को भी इंट्रैक्ट कर रहा है, और बदले में क्या निकाल रहा है? बदले में निकाल रहा है H2O। तो बस हो गई सिंपल सी कहानी। जो टॉलेंस रिएजेंट आप यहां देख रहे हो उसके अंदर आपने क्या करा? इस ऑक्सीजन को लेकर आए, साथ ही साथ में जो आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था उसमें ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेगा, और बदले में यहां से भी वैलेंसी खाली, यहां से भी वैलेंसी खाली, दोनों ने हाथ जोड़ लिया, और जो एक सिंगल वाला अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था वो किस में बदल गया? डाई कीटो। दो दो कीटोनिक ग्रुप यहां पे बन गए, तो क्या बन गया यहां पे? ये डाई कीटो बन गया। क्लियर होगी बात? इजी है। चलिए ये तो बड़ा इजी रहा, अब देखते हैं आगे। थर्ड वाला जो होता है फॉर्मिक एसिड, ये भी क्या करता है? ये भी आपके पास में टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, पर इसका तरीका कुछ और होता है, जरा समझना। यहां पे अगर मैं इस फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एच, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब देखो आगे पीछे कहीं पर भी बड़ा ग्रुप मिथाइल विथाइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सी चीज होती है, वो ये कि टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में यहां अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये देखो क्या दिखाई दे रहा है बाहर निकलता हुआ, एक गैस निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मैं शुरुआत से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हुए आ रहा हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट अगर कोई गैस निकलती है तो गैसों की एंट्रोपी हाई होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से अपने आप को आइसोलेट कर लेती है उस पूरे सिस्टम से। इसी वजह से गैस CO2 निकलते हुए दिखाई दी और उसने क्या कर लिया? खुद को आइसोलेट कर लिया, गैस थी तो उड़ गई। ये कहानी आती है। क्लियर हो गई बात? ये किसकी बात होती है? फॉर्मिक एसिड की। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं हेमी एसिटल की, अच्छा हेमी एसिटल और अपने पास में जो एसिटल था उसमें हमने डाई एसिटल था उसमें क्या देखा था? हेमी एसिटल में क्या होता है? एक ओआर और एक ओएच ग्रुप होता है। डाई एसिटल में क्या होता है? ये ओएच ग्रुप हटता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? ओआर आ जाता है। तो अभी हेमी एसिटल की कहानी क्या होती जरा समझना। यहां टॉलेंस रिएजेंट आपके पास में रखा हुआ है विथ बेस, आपने क्या लगाया है यहां पर? बेस भी रखा हुआ है। तो देखो सिचुएशन क्या होने वाली है, यहां पे जो OH नेगेटिव है ना, इस हाइड्रोजन को अपने पास अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से यहां नेगेटिविटी यहां पॉजिटिविटी आती है, और यहां पर ये इसको अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से यहां पर क्या निकल जाता है? H2O निकल जाएगा। साथ ही साथ में जो टॉलेंस रिएजेंट है वो क्या करता है? इसके ऊपर अटैक करता है और इस OR को भी क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो क्या हुआ? इधर से भी ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, इधर से भी कार्बन की वैलेंसी खाली। तो वैलेंसी खाली होने की वजह से क्या बन गया आपके पास में? ये तो बन गया है अल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया आपके पास में? अल्डिहाइड बन गया। और अल्डिहाइड मैंने क्या बोला था? शेर है। शेर के मुंह को खून लगा दो तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी शिकार कर लेगा। ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला था? अगर उसको अच्छा ट्रेनर मिला है शिकार सिखाने वाला, KMNO4 K2CR2O7 जैसा, तो वो शिकार करता ही करता है। पर अगर उसके पास कमजोर ट्रेनर हो, टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन वाला, तो भी उसको टेंशन वाली बात नहीं रहती है। वो तब भी क्या कर सकता है? शिकार करने में कैपेबल होता है, उसको सिर्फ भूख लगनी चाहिए। तो क्या करा? वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने के बावजूद भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ में अल्डिहाइड रिएक्शन करके क्या बना देता है? ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो बस क्लियर, ये पॉइंट ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अब तो क्लियर हो गया है कि अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को देते हैं, पर अल्डिहाइड के अलावा कीटोन नहीं देता। और अगर अल्डिहाइड के अलावा कीटोन नहीं, सॉरी अल्डिहाइड देकर कीटोन नहीं दे रहा है, तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। क्योंकि जब लाइन लिखी गई थी कि अल्डिहाइड टेस्ट दे रहा है पर कीटोन नहीं दे रहा है, पर यहां
यहां पर कीटोन टेस्ट दे रहा है, पर स्पेशियलिटी क्या है, यह कीटोन कैसा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है जो इस टेस्ट को आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो गई बात, इजी था। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो, इसी के साथ में ये लेक्चर तो हम लोग यहां एंड कर रहे हैं। छोटा लेक्चर है बिकॉज टॉलरेंस रिएजेंट को स्पेसिफिकली आपको पढ़ना है, अलग से ही आपको समझना है, तो इस वजह से इसको ऐसा बनाया गया है। अगर अभी तक वीडियो में बने हो ना तो ये टॉलरेंस रिएजेंट को अलग से पढ़ाने के लिए लाइक कर देना, ठीक है। नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अगर मजा आ गया हो टॉलरेंस रिएजेंट पढ़ने में तो, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले फिर ये सारा काम करने के बाद जाओगे मैग्नेट ब्रेस की ऑफिशियल साइट पे, जहां कर दोगे आप खुद को रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद जो इंटरफेस आया, तो आपने जैसे अभी क्लास 12th सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो सारे फैकल्टी जिन्होंने क्लास 12th के रिगार्डिंग लेक्चर प्रिपेयर करे हैं सारे आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट करना क्या है आपको, वॉच नाउ करना है। वॉच नाउ जैसे ही आप करोगे तो सारे वीडियोस आपके पास में क्या हो जाएंगे, अवेलेबल। अब देखो ये वीडियो कैसे अवेलेबल होने वाले हैं, ये वीडियो आपके पास में कुछ इस तरह से मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अभी क्या चल रहा है, फुल चैप्टर वीडियो। इसके बाद में क्या आएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर क्या आएगा, वन शॉट रिवीजन, और वन शॉट रिवीजन के बाद आता है हमारा बढ़िया शानदार सा एमसीक्यूज। तो बस इतनी सी कहानी होती है, इतना ही करना रहता है। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब देखो, इतना करने के बाद में अगर आप अभी भी बने हुए हो तो ध्यान रखो क्या कर दो, फटाफट से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में ध्यान रखो, हम जो बात बोलते हैं 100% फ्री क्लासेस, हम लोग हमेशा उस बात पर टिके हुए रहते हैं। साथ ही साथ में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th का सारा आपको कंटेंट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सारा फ्री एक्सेस करने के लिए है, तो आप आसानी से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो बस फिर अब इसी नोट के साथ में हम लोग कर देते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।